चाहे मुद्दा आस्था को हो या फिर अन्य मुद्दा, शायद सत्ता छोड़कर कोई उसे पूरा करना नहीं चाहता होगा। हम बात कर रहे हैं नेताओं की, याद करिए आखिर वो कौन है जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या मामले को लेकर हुई एक बड़ी घटना के बाद यूपी की सत्ता गंवा दी थी और उस वक्त देश भर में उन्हें कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो हिले नहीं। बेशक हम बात कर रहे हैं राजनेता कल्याण सिंह की, जिन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद सरकार की कुर्बानी दी थी। इतना ही नहीं, इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स हैं। बता दें कि कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले कल्याण सिंह मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल हैं। एक दौर में वो राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता की थी। 30 अक्टूबर 1990 जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी। प्रशासन कार सेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। ऐसे में भाजपा ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे कर दिया। कल्याण सिंह भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे ऐसे नेता थे जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। कल्याण सिंह उग्र तेवर में बोलते थे, उनकी अदा लोगों को खूब पसंद आई। कल्याण सिंह ने एक साल में भाजपा को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में 425 में से 221 सीटें जीती। कल्याण सिंह ने 24 जून 1991 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ ली। कल्याण सिंह सरकार के एक साल भी नहीं गुजरे थे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। बावजूद इसके 6 दिसंबर 1992 को वही प्रशासन जो मुलायम सिंह के दौर में कार सेवकों के साथ सख्ती बरतता था, मूक दर्शक बनकर तमाशा देखता रहा। सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान हुई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के लिए कल्याण सिंह को एक दिन की सजा मिली। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए बने लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दी, लेकिन योजनाबद्ध सत्ता का दुरुपयोग, समर्थन के लिए युवाओं को आकर्षित करने और आरएसएस का राज्य सरकार में सीधे दखल के लिए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और उनकी सरकार की आलोचना की। कल्याण सिंह समेत कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के मड़ौली ग्राम के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। कल्याण सिंह के पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और माता का नाम सीता देवी था। कल्याण सिंह में बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता थी। कल्याण सिंह ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अध्यापक की नौकरी की। उनकी शादी रामवती देवी से हुई, जिनसे कल्याण सिंह की 2 संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके बेटे का नाम राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और बेटी का नाम प्रभा वर्मा है। बता दें कि 26 साल पहले अयोध्या में जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ। घटना के दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और लाल कृष्ण आडवाणी के सामने हुआ। इन लोगों से मस्जिद को बचाने और रोकने का जिम्मा कल्याण सिंह पर था। भाजपा की आज जो भी सियासत है वो राम मंदिर आंदोलन की देन है। इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ कल्याण सिंह की भी अहम भूमिका रही है। इसी अयोध्या की देन है कि आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी उनके सारथी थे। इसके बाद 2002 में गोधरा में ट्रेन की जो बोगी जलाई गई, उसमें मारने वालों में भी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद
गुजरात दंगा हुआ और नरेंद्र मोदी का उभार हुआ।